तो टॉक्सिक फिल्म को लेकर ना लोग ये बोलते रह गए, यह फिल्म बंद होने वाली है, फिल्म कभी नहीं रिलीज होगी, डब्बा बंद हो गई, बट यहाँ यह फिल्म के इस दिवाली रॉकिंग स्टाइल्स कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। एक्चुअली में धमाका क्या है आगे बात करेंगे। देन इसके साथ साथ सलार 2 के फाइट सीक्वेंस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ सलार पार्ट 1 के जो काली माता के पास वाला जो फाइट सीक्वेंस था ना, उसे लोग बोलते हैं भाई क्या ब्रूटल फाइट सीक्वेंस था यार सलार पार्ट 1 में। बट यहाँ तुम लोग के लिए ना, ये जो अपने प्रसाद नहीं लेना, इससे भी ब्रूटल चीजें लेके आने वाले हैं। एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ब्लास्टियस्ट फाइट सीक्वेंस को ना प्लान करे जा रही है। तो ये फाइट सीक्वेंस कौन सा होने वाले हैं आगे बात करेंगे। देन इसके साथ साथ भाई पुष्पा पार्ट 2 के मेकर्स ने अभी अभी जस्ट बॉम्ब फोड़ दिया है, आगे बात करेंगे एक्चुअली में क्या बॉम्ब फोड़ा है यार। देखो यार एक चीज है ना यार, मेरे को पुष्पा के मेकर्स की ना बहुत ही अच्छी बात लगती है, ये लोग ना हर शॉर्ट टाइम पे ना अपडेट्स देते रहते हैं, मतलब माहौल बनाते रहते हैं। और देखना इसी वजह से यह फिल्म का कलेक्शन में भी पब्लिक माहौल बनाएगी। इसके साथ साथ भाई सिंघम ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जो सबसे ज्यादा 24 आवर्स में व्यूज कलेक्ट करे है पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से। एक्चुअली में व्यूज कितना आ रहे हैं शॉकिंग है भाई, जब भी तुमको ही पता चलेगा तुम नहीं बोलेगा अबे यार इतना व्यूज कैसे, बट हाँ मेरी जान व्यूज आ गए हुए हैं। सामने से आके मेकर्स ने बोला है भाई ये इतिहास रच दिया हमारे फिल्म का ट्रेलर ने। देन इसके अलावा मणिरत्नम सर और अपने रजनीकांत एक फिल्म लेके आ रहे हैं और ये फिल्म का जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है, तो कब होगा इससे भी थोड़ा सा नजर डालने वाला है। और इसके साथ साथ जूनियर एनटीआर की 31st फिल्म को लेके भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट ना जो केजीएफ यूनिवर्स के जो फैंस लोग हैं ना वो लोग के लिए थोड़ा सा बुरा साबित होगा, क्योंकि ये थोड़ा सैड वाला अपडेट है। और भाई वंस अगेन गेम चेंजर पोस्टपोन हो गई हुई है, सो ये वाला वीडियो में मैं भर भर के अपडेट्स देने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तुम लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम चेंजर को लेकर यार। गेम चेंजर मुझे लगता है भाई ये फिल्म के मेकर्स ना ये फिल्म को चाहते हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए भाई। यार मैं क्या बोले यार इस फिल्म को लेकर यार, वंस अगेन भाई ये फिल्म पोस्टपोन हो गई हुई है। जो दिसंबर के आसपास ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, अब भाई 20th दिसंबर के दिन ये फिल्म नहीं रिलीज होगी, अब भाई ये 2025 के मकर संक्रांति के टाइम पर रिलीज होने वाली है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक्चुअली में ये कौन लोग है भाई जो इस तरीके से भाई डिसाइड करते हैं कभी इस डेट पर फिल्म रिलीज होगी कभी उस डेट पर फिल्म रिलीज होगी। एक तो इन लोगों ने गाने ढंग का नहीं बनाया हुआ है जो हिंदी मार्केट में ना थोड़ा सा ये फिल्म को गर्म कर सके। फिल्म के जितने भी गाने आए हैं सब साउथ साइड में चले हैं, बट हिंदी बेल्ट में ना एक भी गाना ढंग से नहीं चला है। तो ये चीजें देख के ना मुझे रामचरण सर को लेकर बहुत ही बुरा फील हो रहा है। ये बवाल एक्टर है यार, मतलब पता नहीं यार यश शंकर संग क्या कर रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। सो अगली अपडेट की बात करते हैं, तो अगला अपडेट आ रही है सिंघम अगेन के भाई टोटल व्यूज को लेकर। तो यहाँ ये फिल्म के मेकर्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करके ये चीज बताया हुआ है कि हिंदी बेल्ट की ना सबसे ज्यादा ट्रेलर पे व्यूज कलेक्ट करने वाली फिल्म बन चुकी है। टोटल 138 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। अब भाई इस पे एड्स भी बहुत ज्यादा लगाए गए हुए हैं, लेकिन ये लोग भाई मेकर्स नहीं बताए। मैं तुम लोग जो भी अपडेट बताऊंगा जो भी चीजें बताऊंगा सच बताऊंगा भाई। आई नो ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा है, बट जो जेन्युइन चीजें हैं एड्स वाला ये भी बताना जरूरी है, बट ठीक है। तो अब बात करते हैं रजनीकांत और मणिरत्नम सर के फिल्म को लेके। ये लोग 33 इयर्स बाद एक फिल्म करने जा रहे हैं और ये फिल्म का अनाउंसमेंट रजनीकांत सर के बर्थडे तो अब दिसंबर के दिन इसका अनाउंसमेंट करेंगे। सो कौन कौन एक्साइटेड है भाई ये दोनों को कॉम्बो को देखने के लिए, ओपिनियन कमेंट करके तुम जरूर बताना। सो अगली अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आ रहा है जूनियर एनटीआर के 31st फिल्म को लेके। देखो भाई हम लोग ये चीजें प्लान कर रहे थे ना, ये फिल्म ना केजीएफ यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है, फिर कभी रूमर आया कि ये सलार यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है, फिर एक और तगड़ा वाला रूमर आया है कि ये फिल्म को ना इंडिविजुअली एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करके बनाई जा रही है। बट अभी जो खबर आ रही है ये फिल्म का कोई भी यूनिवर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअल फिल्म होने वाली है और इसके साथ साथ ये ना बस एक ही पार्ट में बनेगी। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके भी 2-4 पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि एक तो टाइटल बहुत ही कैची है ड्रैगन, इसको तो मेकर्स पक्का आने वाला टाइम में यूज तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो जैसे भी कर, लेकिन हाँ इसके बहुत सारे पार्ट्स तुम्हें दिखाई देंगे ये मेरा कहना है। बट अभी जो खबर आ रही है उस खबर के माने तो प्रॉपर जूनियर एनटीआर के जो 31st फिल्म आ रही है प्रशांत नील सर के साथ, वो फिल्म एक ही पार्ट में बन के खत्म हो जाएगी, इसके अलग से कोई पार्ट्स नहीं बनेंगे। देखते हैं इस फिल्म को लेकर जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो अगली अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आ रही है पुष्पा पार्ट 2 को लेके। पुष्पा पार्ट 2 के अभी अभी मेकर्स ने एक बॉम्ब फोड़ा है सोशल मीडिया पे
उन लोगों का कहना है नॉक नॉक, अभी सबको सोए तो नहीं हो यार, चलो भाई मैं धमाका करता हूँ। धमाका ये है कि इसको पहले हाफ का ना एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है और ये एडिटिंग ना भाई प्रॉपर लॉक हो चुकी है। इसके साथ साथ कुछ इनसाइडर लोगों का ये चीजें कहना है, फर्स्ट हाफ को देखने के बाद अल्लू अर्जुन ने सुकुमार सर को जाके जब पी लिया, बोले अबे यार आपने तो बारूद लेवल की चीजें बना दिया। तो देखते हैं आने वाला टाइम में पब्लिक फर्स्ट हाफ को पसंद करती है फिर नहीं, बट हाँ अभी यही अपडेट आ रही है कि फर्स्ट हाफ की एडिटिंग टोटली कंप्लीट हो चुकी है और ये एडिटिंग को लॉक कर लिया गया हुआ है। इसमें कुछ भी अब चेंजेस नहीं होने वाले हैं और ये फिल्म एट एनी हाउ 6 दिसंबर के दिन ही आने वाली है। सो अगली अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आ रही है टॉक्सिक फिल्म को लेके। ओह जितने भी लोग थे भाई ये फिल्म को लेके बहुत ही रूमर फैला रहे थे, ये फिल्म डब्बा बंद हो चुका है, अब नहीं चलने वाली है, खत्म हो गया रॉकिंग स्टार यश का करियर। रॉकिंग स्टार यश ने बोला मे आई कम इन, आ रहा हूँ भाई जल्दी ही। एक एक्शन सीक्वेंस को भाई इन लोगों ने बहुत ही ग्रैंड लेवल का भाई फिल्माया है जो आउट ऑफ इंडिया का शेड्यूल था। बताया जरा ऐसा एक्शन सीक्वेंस तुम सबने आज से पहले नहीं देखा होगा, बट यहाँ अब रॉकिंग स्टार यश मार धाड़ करने के बाद थोड़ा रोमांटिक वाला मूड में आ रहा है यार। यही वजह है कि दिवाली के आसपास जो इसका अगला शेड्यूल स्टार्ट होगा, जो सेट मुंबई में लगाए जा रहे हैं और ये सेट में ना भाई रॉकिंग स्टार यश और कियारा आडवाणी लवी डवी करते हुए दिखाई देंगे। बाकी सूट से लेकर कोई भी अपडेट आएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, बट हाँ तगड़ा तरीका से भाई ये फिल्म की जो डायरेक्टर है जीतू मोहनदास वो कुछ तगड़ी चीजें बना रही है। तो इसके साथ साथ अगली अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आ रही है सलार 2 को लेके। सलार 2 का अपडेट ये है मेरी जान की जितनी भी सलार पार्ट 1 के फैंस लोग हैं ना, इसके अलावा जो डार्लिंग बाबा के फैंस लोग हैं ना, वो लोग का बस यही चीजें कहना कि प्रशांत नील ने वो काली माता के सामने जो फाइट सिक्वेंस था पार्ट 1 में वो अलग ही है, मतलब उसे देखने के बाद अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं। उसके बाद टनल वाला फाइट सीक्वेंस में क्रिएट कर रहा हूँ पार्ट 2 में, ये टनल वाले फाइट सीक्वेंस के सामने ये जो काली माता के सामने वाला जो फाइट सीक्वेंस था वो इसका ना 10 या 12% है ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो ये टनल वाले फाइट सीक्वेंस कितना ही भाई ब्रूटलिटी के साथ भाई प्रेजेंट करने वाले हैं। और इसका पुष्टि खुद प्रशांत नील की वाइफ ने करा हुआ है, लिखिता मैम ने करा हुआ है। तो यहाँ तुम लोग को जितना भी एक्साइटमेंट बढ़ाना है इस फिल्म को लेके बढ़ा लो यार, क्योंकि ये फिल्म आएगी क्या करेगी मेरे को बताने की जरूरत नहीं यार। अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो इसके अलावा ये सारी अपडेट्स तुम लोगों को कैसे लगे हैं इसको लेके भी ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना, और वीडियो जरा भी पसंद आया था प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो भाई शेयर करो। हमारे कोई फिल्मी लवर दोस्त है ना उसके पास छीर दो फैला दो जो करना है करो यार, बट हाँ सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।